अभी हमको ये देखना है कि वी आर हिट बाय द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वी वर्क हार्डर एंड हार्डर एंड स्टिल वी डोंट अचीव गुड रिजल्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और उसको बोलते हैं हिट बाय द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसका टर्मिनोलॉजी हिट बाय द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ऐसा है कि हम एक जगह ऐसे हो गए कि एक सीलिंग आ गया, एक सील आ गया कि अभी इसके ऊपर हम बढ़ने रहे लाइफ, फिर हम ज्यादा और मेहनत करते और ज्यादा हार्डवर्क करते और ज्यादा हार्डवर्क करते और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो देखना पड़ेगा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, हार्डवर्क तो कर रहे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, है ना। एक जगह ऐसी आ गई कि हमारी वहां से ग्रोथ नहीं हो रही। नेक्स्ट, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क, प्लानिंग करो और जो प्लानिंग किया उसके ऊपर काम करना चालू करो, प्लानिंग करो उसके ऊपर काम करना चालू, प्लान करो उसके ऊपर काम करना चालू करो, है ना। तभी कैसा करना देखते हो। नेक्स्ट, अभी ऐसा बोलते हैं कि आपके पास में ड्रीम है और कोई एक्शन नहीं है तो उसको बोलते हैं विश, डिजायर। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर वहां कोई एक्शन है नहीं, विश है वो। ड्रीम है प्लस सो एक्शन है माइनस ड्रीम है, एक्शन कर रहे बिजी 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 चालू है मगर ड्रीम ही नहीं कोई, तो उसको बोलते टाइम पास। ड्रीम प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस, ड्रीम भी है और एक्शन भी है उसको बोलते सक्सेस। तो स्वप्नांना कृतीचा अभाव भाई, तृप्ती असेल तर इच्छा है, कृती है मगर स्वप्न नहीं है, सपने नहीं है तो उसको बोलते टाइम पास, और कृति भी है और सपने भी है तो उसको बोलते यश सक्सेस, है ना। हम जब हमारे घर पे जाते ना रात को, तो वो हमारे घर के पास में एक चौक है, तो वहां एक व्यक्ति रहता है और वहां उनके भी कुत्ते रहते हैं, बाकी भी बाजार के कुत्ते बहुत सारे रात को वहां बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे जगह पे कुत्ते बैठे रहते, अपनी जब गाड़ी जाती है वहां से तो ऐसे बिल्कुल तैयार रहते हो कुत्ते, जैसे गाड़ी गई तो भो 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 करके, तो 5-10 कुत्ते वहां से एकदम अपने आंख पे आएंगे, है ना। मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरे साथ में और एक व्यक्ति बाजू में थे, गाड़ी की कांच लगी हुई थी, जैसे भी वहां से रात को रोज कार्यक्रम है, जब जब रात को जाता हूं तो जैसे वहां से गाड़ी गई तो वो चलो भो भो भो, तो मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि बोले आपको ऐसा लगता है कि ये कुत्ते अपने को पकड़ सकेंगे, कुछ भोगते हो उनको मालूम है कि पकड़ना तो असंभव है, कांच लगी हुई है, गाड़ी चालू है, गाड़ी का स्पीड अच्छा है कार में, तो वो कैसे क्या पकड़ सकेंगे। तो बोले मुझे लगता नहीं कि कुत्ते अपने को भी पकड़ सकेंगे, बोले नहीं क्या कितने भी दौड़ते। तो मैं खामोश बैठा, फिर मैंने बोला कि पकड़ सकेंगे कि नहीं मालूम नहीं, मगर पकड़ के भी क्या करेंगे समझो, किया भी तो भी क्या फायदा। तो उनके पास में एक्शन है, एक्शन करके भी क्या करना है, समझो पकड़ लिया, समझो अभी वो स्कूटर पे जाते पैंट पकड़ लेते, है ना, आदमी गिर जाता उसको लग जाता, उसको क्या मिलता कुत्ते को, कुछ नहीं मिलता, एक्शन फुल है, ड्रीम कुछ भी नहीं है, तो वो टाइम पास है कुत्ते का। तो मुझे नहीं बोलना कि हम कुत्ते हैं, मगर हम देखो क्या कर रहे थे, ठीक है ना। चलो एक काम, बिजी किसको भी पूछा बोले टाइम नहीं, किसको पूछा टाइम नहीं बोलते लोग, एक ही टाइम एक ही रहता लोगों का, नहीं बेटा नहीं टाइम ही नहीं मिलता, करते क्या है दिन भर, समझ में नहीं आता, टाइम उसने बनता लोग चल ले कुछ नहीं चल लो ते कुछ माहित नहीं। नेक्स्ट, तो वी आर क्लाइंबिंग द वॉल, ये बहुत महत्व का है कि वी आर क्लाइंबिंग द वॉल वेरी हरीडली, हम है ना दीवार पे चढ़ रहे बहुत फास्ट बहुत फास्ट, क्यों भाई शिव शंकर थम्मा जरा ठहरो जरा, नहीं नहीं बिल्कुल टाइम नहीं चालू ठहरो जरा थोड़ा बात तो करो, नहीं टाइम नहीं चालू, और वहां पहुंच जाते ऊपर गए बोलते अरे यार गलत दीवार पे आ गए मतलब ड्रीम है मगर गलत जगह पे ड्रीम है तो वो भी काम की नहीं है, तो कोई गोल्स है मगर वो भी प्रॉपर गोल नहीं है, तो भी अपने को देखने अपने गोल बराबर है क्या, कि गोल के पीछे जा रहे हैं वहां जाने के बाद में अरे ये तो अपने को चाहिए नहीं था, तो ऐसे हालत हो जाती फिर अपनी।
तुमको ये देखना है कि हम गलत वॉल के ऊपर, गलत दीवार के ऊपर हमारी सीढ़ी लगी है क्या। सीढ़ी के ऊपर हम जा रहे जा रहे जा रहे, फास्ट सीढ़ी चढ़ के दीवार के ऊपर जा रहे, बोले अरे गलत दीवार पे सीढ़ी लग गई, ये तो यहां रखनी नहीं था सीढ़ी। नेक्स्ट, तो भी आपको अभी पेन पेपर निकालो और अब देखो कि आपके जो गोल है, आपको जो करना है वो आपको स्मार्ट करने का है। और स्मार्ट मतलब कैसा है, आपके जो भी गोल आपको अभी लिखने के हैं, वो आपको गोल लिखेंगे अभी तो स्मार्ट करके रहेंगे। स्मार्ट मतलब कैसे कि एस मतलब स्पेसिफिक गोल है, दूसरा है मेजरेबल है, तीसरा अचीवेबल है, चौथा रियलिस्टिक है और पांचवा है टाइम बाउंड। इसका मतलब वो है कि वो जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब एग्जांपल देता हूं मैं आपको टाइम दूंगा बाबा साहब, है ना, चलो पहले समझ लो। स्पेसिफिक मतलब आपने बोला कि मुझे मकान बनाने का है ना, तो ठीक है स्पेसिफिक हो गया, है ना, कुछ तो भी पक्का करने का स्पेसिफिक गोल हो गया। मेजरेबल है तो मेजर कितना भी मकान बनेगा है, बनाने का है, कितने फुट का मकान बनेगा है, कितना रुपए का मकान बनेगा है, प्लॉट कितना रहेगा, मकान कितने रहेगा, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। वो अचीवेबल है क्या, वो किसने पहले किया हुआ है क्या, अचीव किया है क्या वो गोल, कि अचीव किया है नहीं है, समझे। आपने बताया कि नहीं मेरे को चांद के ऊपर मकान बनाने का है, तो चांद के ऊपर तो किसने मकान बनाया नहीं, चांद अचीवेबल नहीं। वो रियलिस्टिक में है क्या गोल, आपने बोला कि नहीं मेरे को मकान बनाने का, वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं आपके लिए, क्यों, क्योंकि आप आज कमाई कर रहे हैं समझो 5,000 महीने की, आप बोल रहे मेरे को 50 करोड़ का मकान बनाने का है, तो रियलिटी में ये संभव नहीं आज के दिन। और वो मकान कब बनाने का है, 1 साल के अंदर, तो लगता नहीं कि होगा करके, तो रियलिटी में वास्तव मतलब वो पॉसिबल नहीं। तो रियलिटी में पॉसिबल है क्या वो, और दूसरा है टाइम बाउंड, कब तक करने का, जैसे मतलब आप कब तक खोलेंगे, कि जनवरी 18, तो जनवरी 18 में भी डेट रहती है, जो नई ब्रांच चालू करनी हो कब चालू करनी है, तारीख जनवरी महीने की डिक्लेयर करा लेगा, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन है ना, उस दिन चालू लिख लो। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपके गोल है तो कम से कम 2 गोल सभी लिखो, पहले एक लिखो, एक गोल जो है वो ये जो मेजरेबल है इसमें इसके ऊपर वो लिखो कब कब करेंगे, तो फिर दूसरा लिखेंगे, फिर अपन चर्चा करेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। सो थैंक यू, हम अभी काम करेंगे थोड़ा सा।